ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान ने मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर से शाहरुख खान और गौरी खान से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। जेल में कुल 3200 कैदी हैं और कोरोना के नियमों के मुताबिक जेल में आकर मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से जेल प्रशासन कैदियों को उनके परिवार से बात करवाने के लिए वीडियो कॉल का ऑप्शन देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोरोना की वजह से जेल में बंद सभी आरोपी कैदी हफ्ते में 2 बार अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इस कैदी को उसके घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाता है। आपको बता दें कि आर्थर रोड जेल में सिर्फ 11 फोन हैं। जिसके पास वीडियो की सुविधा नहीं होती है उसे फोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है। जिन परिजनों के पास वीडियो की व्यवस्था होती है उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करवाई जाती है। आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर को होगा फैसला। मुंबई की एक विशेष NDPS अदालत ने आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए गुरुवार को उनके और अन्य सह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया। वहीं NCB ने अदालत में आर्यन को नशेड़ी करार दिया है और कहा कि वो नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।